musical instruments. मम्मी और डैडी पिग घर की सफाई कर रहे हैं। मम्मी पिग और मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है। कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है? नहीं। इसमें भरे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाव! ये थोड़े पुराने और धूल भरे हैं। ये वायलिन है, जब मैं छोटी थी इसे बजाती थी। मम्मी, क्या आप ये वायलिन बजा सकती हैं? मैंने इसे बहुत समय से नहीं बजाया। प्लीज मम्मी, प्लीज इसे बजाइए। उम्मीद है मैं नहीं भूली। वाह वाह! मम्मी, क्या मैं भी वायलिन बजाऊं? इसे ऐसे पकड़ो। ठीक है मम्मी। ओह डियर, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए। जॉर्ज भी बजाना चाहता है। इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज। ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पेपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है। पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये डैडी पिक का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओ डैडी पिक, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है। जॉर्ज, ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी, इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। पेपा ठीक कहती है, ये बिल्कुल नहीं बजता। कोई बात नहीं डैडी पिग, आप सिर्फ अकॉर्डियन बजाओ। आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, मैं इसे अच्छा बजाता हूँ, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं अपना वायलिन बजाऊंगी। और मैं ड्रम बजाऊंगी। मम्मी पिग वायलिन बजाती है, डैडी पिग अकॉर्डियन बजाते हैं, पापा ड्रम बजाती है। लेकिन जॉर्ज कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएगा? जॉर्ज हॉर्न बजा रहा है। मम्मी इसे नहीं बजा सकी, डैडी इसे नहीं बजा सके, और मैं भी इसे नहीं बजा सकी, लेकिन जॉर्ज इसे बजा सकता है।